यू आर द ओनर ऑफ योर जॉब। जब आपको लगे कि आपके पैसे की जरूरत है तो आप डेली भी उसको कर सकते हो। तो आपके प्यारे टीम वार्डन से ऑर्डर ले लिया है, तो लेट्स गो फॉर द डिलीवरी। ने 125.84 डॉलर लास्ट वीक अर्न किए है। नया ऑर्डर भी मिल चुका है जो बहुत बड़ा है, 6.6 किलोमीटर जाना है और 13.25 डॉलर का है, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बियर स्टोर में आ चुके हैं, तो बियर स्टोर में हम अल्कोहल लेंगे। तो मिल गया है। अल्कोहल ऑर्डर डिलीवरी के सिस्टम क्या है मैं आपको वो भी बता देना चाहूंगा। प्रोसेस बता दूं कैसे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। आज का वही प्लान है, देखेंगे हम 3 घंटे स्किप द डिशेस करेंगे और कितने कितने ऑर्डर मिलते हैं, कितना हमारा टोटल कलेक्शन होता है वो भी हम देखेंगे। वैसे ही हमारे साथ मेरे भी एक पार्टनर है जिसका मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। तो आज हम बताएंगे कैनेडा में फूड डिलीवरी कैसे करते हैं। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें मैंने रजिस्टर किया हुआ है, वो रजिस्टर के बाद मैं अपने आप अपनी शिफ्ट ले सकता हूँ और वो ऐप का नाम है स्किप द डिशेस। तो आज हम करेंगे स्किप द डिशेस फूड डिलीवरी और देखेंगे कि कितने पैसे हम उससे कमा सकते हैं और पर आवर रेट क्या होगा वो पैसे कमाने का। तो हमारे शिफ्ट सिलेक्ट की हुई है, तो लेट्स स्टार्ट अवर शिफ्ट। पहले हम जाएंगे स्किप द डिशेस में, उसकी ऐप ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने के बाद हमारी शिफ्ट हमने स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये हमने स्टार्ट कर दी है। ये ऐप में जो ऊपर है वो अमाउंट लिखी हुई है कि हमने कितने अमाउंट अर्न किए। जब ऑर्डर मैच करेगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि मैच्ड ऑर्डर और क्लिक होगा। तो और ये हमारा जोन है जिसमें हमको डिलीवरी करनी है। तो जैसे ही डिलीवरी आएगी तो ये पॉपअप होगा और हमें पता चलेगा, उसमें टिप भी इंक्लूड होगी, सारी चीजें इंक्लूड होगी। तो हम देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे। तो हमने बांध लिया है सीट बेल्ट और करेंगे स्किप, लेट्स गो। तो यहाँ पे हमें मैकडोनल्ड्स का ऑर्डर आया हुआ है और ऑर्डर लेने जाने में और डिलीवरी करने में टोटल 3.7 किलोमीटर है और बोनस के साथ हमको मिले हैं $6। तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद हम वो लोकेशन सर्च करेंगे। तो ये हमने कर ली लोकेशन, तो ये बस 650 मीटर के आसपास ही है। तो हम पहले फूड कलेक्ट करेंगे, बाद में उसको डिलीवरी करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें मैकडी का जो ऑर्डर था तो हम पार्क एट द रेस्टोरेंट करेंगे। तो हमें ये मैकडी में से फूड ऑर्डर मिल गया है, कलेक्ट कर लिया है, तो अब हम इसे करेंगे डिलीवरी। तो कनाडा में लोग 2-3 जॉब करते हैं क्योंकि ज्यादा अर्निंग हो सके, लेकिन मैं डिलीवरी की ऑर्डर डिलीवरी का क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यू आर द ओनर ऑफ योर जॉब, आप उसके ओनर होते हो। आपको जब मन चाहे तब आप शिफ्ट ले सकते हो, जब चाहे तब आप शिफ्ट को कैंसिल कर सकते हो, आप एक स्केड्यूल भी बना सकते हो। आपको अगर आधी रात को भी स्किप करना हो तो आप शिफ्ट देख के सिलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हो, सैटरडे को स्टार्ट कर सकते हो, संडे को स्टार्ट कर सकते हो, इवनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो जब आपका मन हो आप यू आर द ओनर ऑफ योर जॉब। जब आपको लगे कि आपके पैसे की जरूरत है तो आप डेली भी उसको कर सकते हो। अगर आपको लगे कि अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा 1-2 वीक के लिए नहीं करना है, तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो इसी चीज की वजह से मुझे ये डिलीवरी का बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग अच्छी अच्छी सी जॉब करते हैं फिर भी वीकेंड में डिलीवरी फूड डिलीवरी करते हैं और फूड डिलीवरी में काफी अच्छी इनकम हो जाती है। यहाँ पे आज का वही प्लान है, देखेंगे हम 3 घंटे स्किप द डिशेस करेंगे और कितने कितने ऑर्डर मिलते हैं, कितना हमारा टोटल कलेक्शन होता है वो भी हम देखेंगे। तो लेट्स गो। यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर के पैसे मिल गए हैं $6। हम उस पर क्लिक करेंगे, $6 में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो हमें बोनस मिला है 2.46 और ट्रांजिट मिला है 3.54। हमें कोई भी टिप नहीं मिली है फर्स्ट ऑर्डर में। लेट्स गो फॉर द न्यू ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर की हमने डिलीवरी कर दी है और वाओ, साथों साथ दूसरा भी ऑर्डर आ गया है, वो भी सेम $6 का है। तो हम कर लेंगे एक्सेप्ट ऑर्डर और हम जाएंगे रेस्टोरेंट में। कितना फार है देखेंगे, 1.8 किलोमीटर, लेट्स गो। तो स्किप द डिशेस का और एक बेनिफिट ये है कि एवरी वीक आपको इनकम मिल जाती है। जैसे कि मैंने मंडे टू संडे जितनी भी डिलीवरी की है उसका सब टोटल मुझे उसके नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेनसडे को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट से डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है विदाउट कटिंग एनी टैक्स। और अगर मुझे तुरंत ही वो पैसे निकालने हो, जैसे कि मैंने आज $50 अर्न किए हैं, मुझे आज के आज ही निकालने हैं, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। लेकिन उसमें
कुछ पेनल्टी लगती है, जैसे कि $1-2 की पेनल्टी लगती है, और $1-2 कट के, जैसे कि 50 मैंने अर्न किए तो $2 कट के $48 में ऑन द स्पॉट उसको विड्रॉल कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और अगर आपको इनकम अपनी देखनी हो तो आप पूरे वीक की इनकम भी देख सकते हैं। क्लिक करोगे उसके बाद इनकम के बाद आप क्लिक करोगे वीकली स्टेटमेंट, यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करनी होगी। अगर हम लास्ट वीक की डेट पे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ मिलेगा हमने $125.84 लास्ट वीक अर्न किए है। तो ऐसे ही आप हर वीक की इनकम देख सकते हो वेरी इजीली। और आपने जो अर्न किया है उसका टैक्स आपको कैसे कटता है, वैसे तो इनकम पूरी की पूरी आ जाती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप टैक्स फाइलिंग करते हो तो वैसे ही आपका नेक्स्ट ईयर इनकम में से उतना टैक्स जो होगा वो आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आप ज़्यादा उसमें एक्सपेंस दिखा के बेनिफिट्स भी ले सकते हो। तो सेकंड लोकेशन पे भी हम पहुंच चुके हैं, पार्क एट रेस्टोरेंट कर देंगे और हम जाएंगे पिकअप करने। लेट्स गो। तो यहाँ पे हम आए हुए और हमें बताया गया है कि ऑर्डर आपका लेट होगा, 10-15 मिनट लगेंगे बनाने को। तो हम वेट करेंगे ऑर्डर का और तब तक कस्टमर सर्विस में बात करेंगे। तो फिलहाल हम 10 मिनट से वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। तो मैंने थोड़ा लाइव चैट भी किया है स्किप वालों से, उन्होंने बताया कि मैंने उनको बताया कि आई एम वेटिंग फॉर द 15 मिनट्स। तो उनका रिप्लाई आया कि डोंट वरी अबाउट इट, जो भी कंपनसेशन होगा वेटिंग पीरियड का वो आपको मिल जाएगा, सो एंड ऑफ द शिफ्ट आपको मिलेगा। तो ये रही पूरी चैट, मैंने उनको बताया है और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि या यू विल गेट डेफिनेटली अ कंपनसेशन। तो लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर एंड सी हाउ मच कंपनसेशन वी गेट इट। ओके थैंक यू। सो फाइनली हमको ऑर्डर मिल चुका है, तो लेट्स गो फॉर द डिलीवरी। तो हमने डिलीवरी कर दी है और हमें नया ऑर्डर भी मिल चुका है जो बहुत बड़ा है, 6.6 किलोमीटर जाना है और $13.25 का है। तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और जाएंगे। तो ये एक अल्कोहल वाला ऑर्डर है, तो मैं उसका भी आपको अल्कोहल ऑर्डर डिलीवरी के सिस्टम क्या है मैं आपको वो भी बता देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कनाडा में स्मार्ट सो का लाइसेंस है, स्मार्ट सो का लाइसेंस मींस कि अगर आपको अल्कोहल सर्व करना है किसी को भी तो आपके पास एक स्मार्ट सो का लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एग्जाम भी देनी होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ यू कैन सर्व द अल्कोहल टू द कस्टमर। सो वो अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप स्किप द डिसीज पे अल्कोहल सर्विंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो लोग आपका लाइसेंस चेक करेंगे स्किप वाले और आपको अलाउ करेंगे कि आपको भी अल्कोहल के ऑर्डर डिलीवरी के लिए मिल सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स होता है क्योंकि अल्कोहल का जो ऑर्डर होता है उसमें ज़्यादातर बोनस बहुत अच्छे होते हैं। सम पीपल्स आर गिविंग द गुड टिप्स लाइक $5, $6, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है। तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि अगर आप स्किप डिसीज कर रहे हो तो ये एक स्मार्ट सर्व की एग्जाम भी दे दो, और ये इतनी टफ नहीं होती है, बहुत ही इजी होती है, आसान होती है। तो ऑन द स्मार्ट सर्व लाइसेंस यू कैन स्टार्ट अल्कोहल डिलीवरी एज वेल। तो हम अभी अल्कोहल लेने के लिए यहाँ पे बियर स्टोर में आ चुके हैं, तो बियर स्टोर में हम अल्कोहल लेंगे। और तो मिल गया है। तो स्किप द डिसीज का एक और बेनिफिट है कि आपको सेम रेस्टोरेंट से दो ऑर्डर पिकअप करने हो सकते हैं और अलग अलग कस्टमर को डिलीवरी करने हो सकते हैं। तो आपको एक कस्टमर का 6, दूसरे कस्टमर का 6, तो $12 आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपका जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो देयर इज अ वन बेनिफिट, जैसे कि मैं एक मैकडी में गया, दो ऑर्डर वहाँ से पिक किया, दो अलग अलग कस्टमर को डिलीवरी कर दी। और इसमें सिर्फ फूड की डिलीवरी नहीं होती, तो फ्लावर बुके अगर किसी को डिलीवरी करना हो तो स्टोर में से वो बुके को पिकअप कर लिया और किसी के यहाँ डिलीवरी कर दिया, तो वैसा भी हो सकता है। तो ये बेनिफिट्स रहते हैं स्किप द डिसीज के। तो यहाँ पे ये मैं डिलीवरी कर रहा हूँ उसमें आपको मिनिमम जो अमाउंट है ऑर्डर की वो $6 रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 20-30 भी हो सकता है एक ऑर्डर का, लेकिन मिनिमम तो आपको $6 मिलेगा ही मिलेगा।
तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है और आपको ऐसे डिलीवरी फूड डिलीवरी ऑर्डर करना है, तो अगर आप कार से करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं कैसे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहला होता है आपके पास कार होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो G2 होगा तो भी चलेगा या तो G होगा तो भी चलेगा। तो जब आप रजिस्टर करोगे तो आपका नाम, एड्रेस, कार की पूरी डिटेल मांगेंगे, उसके बाद आपका इंश्योरेंस भी सबमिट करना होगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी सबमिट करना होगा। वो सबमिट करने के बाद वो लोग कभी कभी एक वीक लेते हैं, तो कभी एक दिन में भी उसको वेरीफाई करके आपको ईमेल आ जाता है कि योर ड्राइविंग लाइसेंस इज वेरीफाइड, सो नाउ यू कैन स्टार्ट स्किप द डीसीज और उबर वॉट एवर। तो ऐसे आप रजिस्टर करके स्टार्ट कर सकते हो और नेक्स्ट दिन से ही आप स्किप द डीसीज चालू कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट हम 2.5 आवर से कर रहे डिलीवरी, फूड डिलीवरी, और हमने अर्न किए हैं $89.25। सो हमें अच्छे ऑर्डर मिले, हमने करीब 6-7 ऑर्डर डिलीवरी कर दिए हैं और सोच रहे हैं कि और आधा एक घंटा ऑर्डर कर ले तो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। और आपको फाइनल इनकम भी बताएंगे और कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि अगर उसमें से पेट्रोल का कॉस्ट हम निकाल दें तो हमें कितना बेनिफिट्स हो रहा है। तो लेट्स सी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी कम टाइम में करनी हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़्यादा डिलीवरी करने के लिए आप अपने साथ अपने एक पार्टनर को लेके जाइए। तो आपको क्या है कि मेन जो है वो सिर्फ ड्राइव करेगा, आप कोई भी रेस्टोरेंट में या तो फिर कस्टमर के यहाँ पहुँचते हो तो आपको बस गाड़ी साइड पे खड़ी रखनी है, गाड़ी को ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो आपके साथ पार्टनर आप बैठा होगा वो फटाक से जाके डिलीवरी पिकअप कर लेगा, फूड को पिकअप कर लेगा, और उसको डिलीवरी करनी है तो फटाफट से डिलीवरी करके भी आ जाएगा। तो इसमें पेट्रोल की भी बचत होगी, बार बार आपको गाड़ी टर्न ऑफ टर्न ऑन करने की, पार्किंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही हमारे साथ मेरे भी एक पार्टनर है जिसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक मिनट, ये रहा जो कब से वीडियो बना रहे हैं हमारे लिए और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतना सारा पैसा अर्न कर सके। तो थैंक यू फॉर गिविंग सच अ नाइस वीडियो। एंड तो ऑर्डर आ चुका है टीम होटल पे से, हम जाएंगे टीम होटल में ऑर्डर लेने के लिए। तो आपके प्यारे टीम होटल पे से ऑर्डर ले लिया है, तो लेट्स गो फॉर द डिलीवरी। तो हम इतने टाइम से, मतलब 3 घंटे से कर रहे हैं, फिर भी जैसे थकान नहीं लग रही है, यू कैन स्टिल एंजॉयिंग। तो मैं तो प्रीफर करूंगा कि आपके पास स्पेयर टाइम है तो ज़रूर से ये कीजिए, इट्स एक्स्ट्रा इनकम। इसमें से आप अपने मंथली जो हाउस रेंट है या तो ग्रोसरी, वो आराम से निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमारी स्किप की शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है और देखे तो अंधेरा भी हो चुका है और इट्स अराउंड 10 PM। हमने 4 घंटे स्किप किया और हमारी इनकम जो रही है वो यहाँ पे है। हमने ये देखिए, हमने टोटल $130.89 अर्न किए हैं, उसमें हो गया $64 ट्रांजिट और $57 हमारा टिप भी हो गया है, और बोनस भी हमको मिला है $7.89। तो अभी अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो $130 हमने 4 आवर्स में अर्न किए हैं। तो इट्स $130 इंटू 4 आवर्स, सो हमें $32 के हिसाब से पर घंटे में हमने अर्न किए हैं, हर एक घंटे में $32। और अगर मैं पेट्रोल का निकाल लूँ तो मैंने अपना किलोमीटर मेजर किया था, हमने ट्रैवल किया है 57 किलोमीटर, सो हमारा अप्रोक्सीमेट पेट्रोल गया होगा $10 का। तो हम वो भी निकाल लेते हैं, तो 120 / 4, सो हमें $30 पर आवर का अर्निंग मिला है। तो हमने अर्न किए है $30 पर आवर, तो 4 आवर्स में $120, इट्स अ गुड। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब। तो बस ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे, और ये जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, तो आपके भी फ्रेंड को या आपके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जो वर्क परमिट पे आ रहे हैं या तो जो PR पे है जिसको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है तो वो आसानी से अर्न कर सके। और बस, तो मिलते हैं अगले ऐसे ही अच्छे वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।